आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के पुत्र बुद्धि विनायक भगवान गणेश का गणेशोत्सव आरंभ हो चुका है। हम आपको शिव की नगरी में कहां कहां गणपति महाराज विराजमान हैं ये बताने जा रहे हैं। सोमवारी चौक के पास भैरवगंज में ये आपको गणपति यहां विराजे दिख जाएंगे। भैरवगंज में बहुत सुंदर साज सज्जा के साथ भगवान गणपति यहां विराजे हुए हैं। ऐसे एक के बाद एक हम आपको शहर का भ्रमण कराएंगे, शहर में दिखाएंगे कि कहां कहां गजानन विराजे हुए हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सोमवारी चौक के करीब की हैं भैरवगंज के। अब इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए दूसरे यहां पर सत्य कबीर निकेतन के पास यहां पर गजानन विराजे हुए हैं। विघ्नहर्ता गजानन, ना जाने कितने नाम देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश के हैं। भगवान श्री गणेश के बारे में जितनी भी कथाएं हैं उनमें से कुछ कथाओं को हम आपके लिए लेकर आए हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो रोज़ाना कुछ कथाएं, कुछ उनके संबंध में जो भी जानकारियां हैं वे आपके साथ साझा की जा रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिव की नगरी सिवनी में भगवान शिव के पुत्र गजानन महाराज विराजे हुए आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं दलसागर के किनारे साईं राम अस्पताल के पास करवे कॉलोनी में ये गजानन यहाँ पर विघ्नहर्ता यहाँ विराजे हुए हैं। बुद्धि के देवता बुद्धि विनायक भगवान गणेश यहाँ आपको किस रूप में कहाँ कहाँ विराजे हुए हैं ये हम आपको दिखाने का लगातार प्रयास करते आए हैं और फिलहाल भी हम आपको प्रयास कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे एक अपील करती है कि पंडालों में आप फूहड़ गाने ना बजाएं। यहाँ इसके बाद हम आपको लेकर आगे चल रहे हैं। ये देखिए ये आपको जो नज़ारा दिखा रहा है महावीर व्यायामशाला का, ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये जो जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं सिवनी शहर के विभिन्न जगहों पर विराजे विघ्न विनाशक भगवान गणेश की हम आपको प्रतिमाओं के दर्शन करा रहे हैं। मदिरा पान करके किसी प्रकार का नशा करके गणेश पंडालों में न जाएं, ना ही विसर्जन के समय जाकर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को विसर्जन के दौरान भी किसी तरह का नशा करके आप ना जाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे ये अपील कर रही है। अब हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं ये सोनारी मोहल्ले में शिव मंदिर के समीप विराजे हुए भगवान गणेश आपको दिख रहे हैं। इसके साथ ही जो आप पंडालों में जो भी गीत बजाएं भजन बनाएं वे फूहड़ता से उनमें ना दिखे, फूहड़ता ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि धर्म का मजाक लोग ना बना पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिव मंदिर के पास सुनारी मोहल्ले का ये हम आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ कितने सुंदर भगवान गणेश यहाँ पर विराजे हुए दिख रहे होंगे। अब हम आपको इसके बाद आगे लेकर चलते हैं। आगे अब ये हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं ये काली चौक बरघाट रोड का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। काली चौक के पास बरघाट रोड का ये नज़ारा आप देखिए। काली मंदिर के समीप गजानन महाराज यहाँ पर विराजे हुए आपको दिख रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न इलाकों में जहाँ जहाँ देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश विराजे हुए हैं हम आपको वहाँ वहाँ लेकर चल रहे हैं। काली चौक बरघाट रोड का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि पंडालों में अश्लीलता फूहड़ता वाले गाने ना बजाए जाएं। अरुणाचल पब्लिक स्कूल के पास ये गजानन यहाँ पर विराजे हुए हैं। भगवान श्री गणेश यहाँ पर विराजे हुए आपको दिख रहे होंगे।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अरुणाचल पब्लिक स्कूल के करीब में विराजे भगवान श्री गणेश। सिवनी में 17 तारीख को गणेश भगवान श्री गणेश का विसर्जन होगा और उस का क्या मुहूर्त है ये भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के द्वारा आपके साथ साझा किया जा चुका है। हम अब आपको इसके बाद आगे लेकर चल रहे हैं सुनारी मोहल्ले में चौड़ा कुआं में विराजे हुए भगवान गणेश यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। भगवान गणेश से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ के धर्म प्रभाग में हम आपको लगातार ही देते आए हैं, आप उसे देखना ना भूलिए। ये चौड़ा कुआं सुनारी मोहल्ले का नज़ारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर। जय हिंद।